हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन विद राजेश। आज हम वाल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन बॉडी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन बॉडी वाल का क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि इसको पहले दो पार्ट में बांटा जाता है, स्लाइडिंग स्टेम टाइप और रोटरी टाइप। मतलब कि जो है एक ऐसा क्लासिफिकेशन होगा कि स्लाइडिंग स्टेम में क्या होगा कि स्टेम जो है अप या डाउन, ऊपर या नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और रोटरी में क्या होगा कि 90 डिग्री जो हमारा स्टेम है और उसका जो भी प्लग है वो 90 डिग्री रोटेट होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग स्टेम के टाइप जो है, जो स्लाइडिंग स्टेम में भी बहुत से टाइप हैं। इसमें जो है हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लोब और एंगल वाल के बारे में, ग्लोब टाइप और एंगल वाल टाइप के बारे में, और दूसरा जो है रोटरी टाइप में जो है वाल टाइप वाल और बटरफ्लाई टाइप का। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस स्लाइड में जो है चलते हैं, ग्लोब वाल पे डिस्कस करेंगे, ग्लोब वाल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके सब कैसा फिजिकली दिखता है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, ये इंटरनल पार्ट ग्लोब वाल होता क्या है पहले देख लीजिए। ग्लोब वाल इज अ लीनियर मोशन वाल यूज्ड टू स्टॉप स्टार्ट एंड रेगुलेट फ्लूइड फ्लो। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए एक लीनियर मोशन होता है, एक शेप भी ऐसे रहेगा ना कि शेप एक स्फेरिकल शेप रहता है। ठीक है, और द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ग्लोब वाल ऑपरेशन इज द परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ द डिस्क अवे फ्रॉम द शीट। ठीक है, जो नीचे सीट रहता है वो सीट सब मैं दिखाता हूँ एक एक आपको। जो सीट रहता है ग्लोब वाल का, आप शेप देख सकते हैं कैसे स्फेरिकल शेप है, और जो सीट से जो है ना परपेंडिकुलर इसका स्टेम का और प्लग का मूवमेंट होता है, वही बता रहा है। ग्लोब वाल गुड थ्रोटलिंग एबिलिटी, इसमें क्या है थ्रोटलिंग एबिलिटी, मतलब कि जो एक तरह से परसेंटेज में ओपन क्लोज कर सकते हैं, बहुत से जितना माइनर हमको चाहिए, 1% चाहिए, 2% चाहिए, जितना फ्लो चाहिए उस हिसाब से इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, विच परमिट इट यूज इन रेगुलेटिंग फ्लो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसको क्या करता है, एक रेगुलेटिंग फ्लो करने का जो है वो करता है, एडवांटेज है इसका। ठीक है, इसमें पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे ये देखिए आप यहाँ दिख रहा है, ये ग्लोब वाल का ये बोनेट होता है, ये बॉडी होता है। ठीक है, ये रिमोट सेंसर दिया हुआ है वाल का, ये यहाँ पोजिशनर दिख रहा है आपको। ठीक है, वाल में कभी कभी हम वॉल्यूम बूस्टर भी यूज करते हैं, ये हमारा एफ आर है, और ये पूरा एक्चुएटर असेंबली है। तो इस तरह से वाल का पूरा कंस्ट्रक्शन आपने देखा। अब बोनेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि बोनेट क्या होता है, द बोनेट प्रोवाइड अ लीक प्रूफ क्लोजर फॉर द वाल बॉडी। ठीक है, ये वाल बॉडी के लिए लीक प्रूफ क्लोजर होता है एक तरह से, कि कोई जो भी फ्लूइड प्रोसेस का जा रहा है वो लीक ना करे, उसके लिए बोनेट अच्छे से उसको वाल बॉडी को जो है वाल बॉडी से और एक्चुएटर को अच्छे से कनेक्ट करके रखता है। द थ्रेडेड सेक्शन ऑफ द स्टेम गोज थ्रू अ होल विथ मैचिंग थ्रेड इन द बोनेट। क्या होता है, बोनेट के अंदर थ्रेड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ बता रहा है वो अलग अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब से रहता है वाल का, इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि एनीवे इसके इस जो बोनेट के अंदर जो होल होता है उसी के थ्रू जो है हमारा स्टेम अंदर की तरफ जाता है और वो सीट पे जाके जो है प्लग बैठता है। ठीक है, ग्लोब वाल्व मे हैव अ स्क्रू इन यूनियन और बोल्टेड बोनेट। तो ये जो स्क्रू टाइप का हो सकता है, यूनियन टाइप का हो सकता है, या बोल्टेड बोनेट टाइप का हो सकता है। स्क्रू इन बोनेट इज द सिंपलेस्ट बोनेट ऑफरिंग अ ड्यूरेबल प्रेशर टाइट सील, यूनियन बोनेट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, अभी देखेंगे इसका बोनेट हो गया, बोनेट के बाद आते हैं हम लोग प्लग और डिस्क के बारे में। ठीक है, प्लग और डिस्क क्या होता है, ये देखिए यहाँ आपको प्लग दिख रहा है, ये प्लग मैंने दिखाया, प्लग या डिस्क दोनों एक ही चीज है, रोटरी वगैरह में डिस्क बोलते हैं और इसमें क्या है कि हम लोग प्लग बोलते हैं। प्लग का क्या है, द क्लोजर मेंबर ऑफ द वाल प्लग आर कनेक्टेड टू द स्टेम विच इज स्लाइड आर स्क्रूड अप आर डाउन टू थ्रोटल द वाल थ्रोटल द फ्लो। ये करना क्या है कि यही अप या डाउन होता है जो सीट पे जाके बैठ के फ्लो को जो है क्लोज करेगा या ओपन करेगा। प्लग आर टिपिकली ऑफ द बैलेंस आर अनबैलेंस टाइप, ये प्लग जो है बैलेंस टाइप या अनबैलेंस टाइप हो सकते हैं। अनबैलेंस टाइप प्लग आर सॉलिड एंड आर यूज फॉर विद सिमिलर स्मॉलर वाल। ठीक है, अनबैलेंस वाले कहाँ यूज किए जाते हैं, आपको जो है छोटे वाल में यूज किए जाते हैं, इस जो अनप्लग बैलेंस अनबैलेंस प्लग होते हैं वो आपको जो है उसमें स्मॉलर वाल में यूज करते हैं। आर वी था लो प्रेशर ड्रॉप, जहाँ लो प्रेशर ड्रॉप की जरूरत होती है वहां यूज किए थे अक्रॉस द वाल। द एडवांटेज आर सिंपलर डिजाइन विथ वन
पॉसिबल लीक पाथ एट द सीट एंड यूजुअली लोअर कास्ट, ठीक है, जो अनबैलेंस वाले होते हैं लोअर कास्ट के होते हैं। द डिसएडवांटेज आर द लिमिटेड साइज विथ अ लार्ज अनबैलेंस प्लग द फोर्स नीडेड टू सीट द होल सीट एंड होल द फ्लो ऑफन बिकम इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। बैलेंस प्लग हैव होल्स थ्रू द प्लग, प्लग बैलेंस प्लग में क्या होता है कि होल रहता है किसके थ्रू, किसमें, प्लग में। और एडवांटेज इंक्लूड इजियर सट ऑफ एज द प्लग डज नॉट हैव टू ओवरकम स्टैटिक फोर्स, इस पर कोई स्टैटिक फोर्स नहीं आ पाता है और इजी सट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है इसका स्टेम का, स्टेम ये देख सकते हैं, ये स्टेम है। स्टेम कैसे होता है, यहाँ जैसे दिख रहा है कि ये प्लग के साथ स्टेम ज्वाइंट है। द स्टेम सर्व एज अ कनेक्टर फ्रॉम द एक्चुएटर टू द इनसाइड ऑफ द वॉल एंड ट्रांसमिट दिस एक्चुएशन फोर्स, ठीक है। स्टेम आर आइदर स्मूथ टू फॉर एक्चुएटर कंट्रोल वाल्व आर थ्रेडेड फॉर मैनुअल वाल्व। द स्मूथ स्टेम आर सराउंडेड बाई पैकेजिंग मटेरियल टू प्रिवेंट लीक मटेरियल फ्रॉम द वॉल। दिस पैकेजिंग इज अ वेयरेबल मटेरियल एंड विल हैव टू बी रिप्लेस ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जो पैकिंग मटेरियल ग्लैंड पैकिंग जो होता है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। विथ अ स्मूथ स्टेम द एंड आर थ्रेडेड टू अलाउ कनेक्शन टू द प्लग एंड एक्चुएटर, ठीक है। ये एंड पे जो है थ्रेडेड होता है जो एक्चुएटर के साथ एड होता है, मतलब कनेक्ट होता है। द स्टेम मस्ट नॉट ओनली विथस्टैंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स ड्यूरिंग वॉल क्लोजर बट ऑल्सो हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग वॉल ओपनिंग, ठीक है। इन एडिशन द स्टेम मस्ट बी वेरी स्ट्रेट आर हैव लो रन आउट इन ऑर्डर टू इनक्लोज गुड वॉल क्लोजर। दिस मिनिमम रन आउट ऑल्सो मिनिमाइज वियर ऑफ द पैकिंग कंटेंट इन द बोनेट, ठीक है, विच प्रोवाइड द सील अगेंस्ट द लीकेज। द स्टेम में भी प्रोवाइडेड विथ अ शर्ड ओवर द पैकिंग नट टू प्रिवेंट फॉरेन बॉडी इंटरिंग द पैकिंग मटेरियल विच वुड एक्सेलरेट वियर, ठीक है। तो ये एक बेसिकली स्टेम होता है जो कनेक्टर के साथ जुड़ा रहता है, सॉरी अपना जो है प्लग के साथ और उसके साथ एक्चुएटर का, जो एक्चुएटर का स्टेम होता है उसके साथ जुड़ा रहता है, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग केज के बारे में। केज क्या होता है, द केज इज अ पार्ट ऑफ वाल्व दैट सराउंड द प्लग एंड इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द वाल्व, ठीक है। टिपिकली द केज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिटरमाइनर ऑफ फ्लो विद इन द वाल्व। ये क्या होता है कि एक पार्ट होता है वाल्व का जो प्लग के चारों तरफ रहता है, मतलब इसी के अंदर प्लग बैठता है, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट डिटरमाइनर होता है वाल के अंदर फ्लो का। एज द प्लग इज मूव मोर फॉर द ओपनिंग इन द केज आर एक्सपोज एंड फ्लो इज इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द ओपनिंग कैन हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन फ्लो टू मटेरियल। द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एट टेम्परेचर प्रेशर दैट आर इन अरेंज। केज आर ऑल्सो यूज टू गाइड द प्लग टू सीट ऑफ द वाल फॉर अ गुड सेट ऑफ substituting the guiding from the bonnet। एक तरह से ये केज के, केज जो है, देखिए ये केज स्टेम और ये प्लग, प्लग के ऊपर जाके ये कब वो एक तरह से गाइडिंग का काम करता है। तो इस तरह से अब देखिए ये सीट आ गया, सीट देखिए, द सीट रिंग प्रोवाइड अ स्टेबल यूनिफॉर्म एंड रिप्लेसेबल सेट ऑफ सरफेस। ये सीट होता है वाल का, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये जो है आउटर है और ये नीचे से इधर से फ्लो आएगा और ये इसमें बैठ, इस पे आके सीट पे बैठ जाएगा। जैसे प्लग ऊपर उठेगा ऊपर की तरफ, तो ये अंदर का फ्लूड जो ऐसे अंदर का फ्लूड आके ऊपर की तरफ और इधर आउट होके निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका डिजाइन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आउटलेट हो गया और बॉटम की तरफ इधर से आ रहा होगा वो इनलेट होगा, और ये हमारा पूरा एरिया सीट का होता है, ठीक है। सीट का आपने देख लिया एरिया, तो इस तरह से ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट जो है ग्लोब वॉल का पूरा कंस्ट्रक्शन। अब ग्लोब वॉल के बारे में, बॉडी के बारे में ऊपर से हम जस्ट एक रिव्यू देंगे आपको, एक वॉल लेंगे वॉल के, इसके साथ ही प्रैक्टिकली वॉल दिखाएंगे कि बाहर से ग्लोब वॉल कैसे दिखता है, उसका शेप कैसे होता है, उसकी ट्यूबिंग वगैरह तो ऑलरेडी
लगभग हमने दिखाई दिया है अगले पहले के उसमें ओपन एंड क्लोज एयरफिल ओपन और एयरफिल क्लोज वाले में मोस्टली ग्लू वाल भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा हमारा पूरा ग्लू वाल का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखिए हमारे वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखे समझे और जाने वाल के डिजाइन के बारे में। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि हमने दिखाया था एयरफिल ओपन वाल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो देखिए ये भी एक ग्लो बॉडी वाल है और इसका ट्यूबिंग हम दिखाएंगे आपको। ये जो ट्यूबिंग, हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी स्लाइड में बात किया था, दिखाएंगे कि कैसे एयरफिल क्लोज वाल होता है। ये यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये एक तरह से ग्लोब बॉडी है। यहाँ आप ग्लोब टाइप वॉल में भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये शेप इसका देख रहे हैं। फ्लो का डायरेक्शन भी आपको देख रहा होगा, दोनों के जो है ये इनलेट हो गया और उधर की तरफ आउटलेट है, ये वाला आउटलेट पोर्शन है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसके ट्यूबिंग, ये पोजिशनर दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये लिंक है, लिंक के बाद जो है ये ट्यूबिंग, ये पोजिशनर का, और जो है नीचे से देखिए वो ट्यूबिंग जो दिख रहा है ना, ये नीचे से ट्यूबिंग है इसकी, जो अंदर आपने मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ये ट्यूब से पोजिशनर के आउट कहाँ हो, जो मैं अभी रखा हुआ वो क्या है, यहीं से एयर जाता है और डायफ्राम के डिस्क को, डिस्क प्लेट को जो है ऊपर की तरफ करता है, तो फिर स्टेम जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, स्प्रिंग स्प्रिंग आपका ऊपर की तरफ होगा, इसमें ऊपर की तरफ अलग से एक शेप बना रहता है। ये आपका रिमोट सेंसर दिख रहा है ब्लू वाला। तो इस तरह से ये एयरफिल क्लोज वाल्व होता है, जब एयर जैसे फेल होगा तो स्प्रिंग का टेंशन फ्री हो जाता है। और ये वाल्व, ये इसमें हैंडविल भी लगा हुआ है, इसको हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, और देखिए आप ऊपर की तरफ इस तरह से जो है हमारा ये वाल्व का पूरा वो कंस्ट्रक्शन रहता है। ये ऊपर की तरफ जो दिखा स्प्रिंग था, और ये बॉडी का दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये एरो दिया हुआ है इनलेट और आउटलेट का, ये इनकी तरफ से होके एरो जो बना हुआ है आउट की तरफ जाएगा। अगर आप लेबल देखेंगे तो ये इन वाला हल्का सा डाउन होता है शेप में, और ये आपका जो है आउट वाला हल्का सा ऊपर होता है, लेकिन ये इंटरनली फील करना होता है, क्योंकि बाहर से लगभग मटेरियल लगभग सेम यूज किए जाते हैं, सेम लेवल में रखे जाते हैं, लेकिन इंटरनली आप देखेंगे ना तो ऐसे भी फील कर सकते हैं, हल्का सा वो डाउन ये अप होता है, लेकिन ऐसे ही ग्लोब वाल का ये शेप होता है। ठीक है, ये रहा ग्लोब वाल